तीसरा क्वार्टर ये चल रहा है इस वक्त, स्कोर रोहतक के पक्ष में 31 और जो है पानीपत की टीम 14 स्कोर पर है। रोहतक का हमला, तीसरा क्वार्टर भी समाप्त होने वाला है। एक क्वार्टर और पड़ा है 5 मिनट का, समय कम कर दिया गया है। पानीपत का इस वक्त हमला, स्कोर अभी काफ़ी कम है और ये दो अंक के साथ पानीपत अब जो है 16 अंक पर पहुंच गया, लेकिन अभी रोहतक 31 पर है, अभी अंतर है, लेकिन लगातार स्कोर करे तो अंतर कम हो सकता है। बॉल एक बार फिर रोहतक के हाथ में, पानीपत बॉल छीनने में कामयाब, लेकिन रोहतक फिर कम, लेकिन पानीपत के हाथ में बॉल, देख सकते हैं मेहनत कोई करे बॉल किसी के पास चले जाए। पानीपत का हमला और ये समय इस क्वार्टर का समाप्त हो गया। अब अंतिम क्वार्टर 5 मिनट का चलेगा। क्वार्टर इस वक्त चल रहा है, रोहतक 34 है और 18 पर पानीपत, 2 अंक के साथ बढ़त बनाई पानीपत 20 और रोहतक अभी भी 34। चंद मिनट का ही खेल बाकी है, रोहतक की जीत नज़दीक तय निश्चित है। अब पानीपत का हमला देख सकते हैं आप, पानीपत के खिलाड़ी लास्ट टाइम में फुर्तीले नज़र आ रहे हैं, कुछ धक्का और ये फाउल करार दिया वहाँ पे रेफरी के द्वारा। पुश यानी 7 नंबर खिलाड़ी ने पुश किया था, फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर पानीपत को। क्या फ्री हिट का लाभ उठाएगा पानीपत? पहला अटैम्प्ट देखेंगे आप, और लाभ उठा लिया 1 अंक के साथ। दूसरा अटैम्प्ट, और इसका भी लाभ उठा, यानी 22 अंक हो गए हैं पानीपत के, और अभी रोहतक का पलड़ा भारी। रोहतक हमलावर, आराम से एक स्कोर कर दिया, 2 अंक का स्कोर ये रोहतक का। पानीपत आगे बढ़कर, हमला रोहतक 36 डबल 2 पानीपत, पानीपत का हमला लेकिन कोई फायदा नहीं। अब रोहतक का हमला, जगह बनाकर अंदर प्रवेश किया लेकिन कोई स्कोर नहीं। कुछ सेकंड का खेल बाकी, अब इस मैच अंतिम पलों पे ये मैच जा रहा है। कुछ परिवर्तन खिलाड़ी में, कुछ बदलाव किया है यहाँ पे। बॉल अब पानीपत के हाथ में, पानीपत 22 रोहतक 36, 36। पानीपत का हमला, हार जीत के अंतर को बस कम ही कर सकते हैं अपने हार के अंतर को, अदरवाइज रोहतक की जीत तय है। और एक बढ़िया स्ट्रोक पानीपत ने अंतर को कम किया, 25-3 अंक की स्ट्रोक था ये। और इधर रोहतक ने फिर एकदम से 2 का स्ट्रोक लगाकर स्कोर को 38 कर दिया और पानीपत अभी 25 है। पानीपत का हमला और ये टाइम पूरा हो गया, मैच समाप्त हो गया। रोहतक ने 25 के मुकाबले 38 अंकों के साथ इस मैच को जीत लिया है। आप देख सकते हैं ये स्कोर, लास्ट फाइनल स्कोर ये है। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश रोहतक ने इस वक्त कर लिया है, अब क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ से आरंभ हो जाएंगे, तो आनंद लीजिए। शाम को यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे, तो आप सभी आकर इस जो राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है उसका आनंद लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़ 71 के साथ।